हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारसी शिक्षा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जो सीखने वाले हैं वो जर्नल। जर्नल तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जर्नल के हेल्प से हम लेजर बनाना सीखेंगे और लेजर के हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। मतलब ये कि आज का जो लेक्चर है और एक और लेक्चर होगा, दोनों लेक्चर में हम लेजर पोस्टिंग, जर्नल से लेजर पोस्टिंग और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना हमें सीखना है। ठीक है, तो आज का जो है दो लेक्चर लूँगा, दो क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है ना, आज विदाउट जीएसटी वाला करा रहा हूँ, अगले क्लास में मैं जीएसटी वाले के साथ कराऊंगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 अपने असाइनमेंट का कर रहे हैं। असाइनमेंट का पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। यानी कि आपको जर्नल में पोस्टिंग करनी है, जर्नल बनाना है ट्रांजेक्शन का, उसको पोस्ट करना है लेजर में और ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो देखिए इसमें जर्नल दे रखा है 2022 अप्रैल, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। क्या लिखा है, फर्स्ट, सबसे पहले 1 अप्रैल को मोहन ने कमेंस्ड मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 1,00,000 रुपये। जर्नल एंट्री आप सीख चुके हैं 2022 अप्रैल फर्स्ट। तो डेट के कॉलम में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे अप्रैल फर्स्ट। अप्रैल फर्स्ट में क्या एंट्री हो जाएगा आपका दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। बस इतनी सी ही जर्नल एंट्री होती है ना बिजनेस स्टार्ट करने की। हाँ सर, अमाउंट कितना है, 1,00,000 रुपये है, तो ये 1,00,000 रुपये डेबिट और क्रेडिट दोनों में आ जाएगा। हाँ जी सर। नेक्स्ट है आपका क्या, गुड्स अप्रैल 3, बाउट गुड्स रुपीज 5,000। बाउट गुड्स कुछ नहीं लिखा है तो हम कैश मानते हैं ना। हाँ सर, हम सीख चुके हैं ये। तो अप्रैल 3 का जनरल एंट्री होगा परचेजेस, क्योंकि गुड्स खरीदा गया है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। 2 कुछ नहीं लिखा है तो हम कैश अकाउंट। और दोस्तों यहाँ पे नरेशन लिखा जाता है, ये नरेशन आपको बता चुका हूँ कि क्या लिखना है नरेशन। नरेशन में क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे बाउट गुड्स है ना, तो लिख देंगे बाउट गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000, 5,000 रुपये का हमने गुड्स खरीद लिया। नेक्स्ट एंट्री जो होगा वो है अप्रैल 4 को, क्या है अप्रैल 4, तो अप्रैल 4 में क्या है लिखा है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल को हमने सामान बेचा है। तो बताइए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, नाम लिखा है कि हमने किसको बेचा है, तो इसका मतलब उधार में बेचा है, तो गोपाल डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, गोपाल डेबिट टू आपके पास से क्या मतलब सामान बेच रहे हो ना, तो सामान बेचने को क्या क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस ना, उस इनकम का नाम क्या है सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपये दोस्तों, सेल्स में आपका आ जाएगा 4,000 रुपये। मालूम चल गया यहाँ होगा यहाँ पे कि क्या रूल हुआ है, यहाँ पे हमने गोपाल को बेचा उधार में, तो गोपाल रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर और सेल्स क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 10, तो अप्रैल 10 का एंट्री जो होगा वो क्या बोला है, अबाउट गुड्स फ्रॉम राम, यहाँ पे गुड्स खरीदा है राम से, इसका मतलब क्या है राम सिर्फ खरीदा है, कुछ नहीं लिखा है तो उधार मानेंगे ना, तो क्या होगा यहाँ पे होगा आपका राम से खरीदा है गुड्स, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा दोस्तों, परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स हमने खरीदा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, राम गिवर है, क्या यहाँ पे दोस्तों राम गिवर है। तो कितने रुपए का हमने खरीदा है सर, 8,000 रुपये का खरीदा है, कमाल है ना। अगला जो है वो अप्रैल 15 है, तो अप्रैल 15 में क्या लिखा है, अप्रैल 15 में लिखा है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है ना, तो हाँ सर, तो एक्सपेंस का नाम क्या है ट्रेड एक्सपेंस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू पेड लिखा है ना, तो पेड का मतलब टू कैश अकाउंट, कमाल है ना। तो ये है 2,000 रुपये दोस्तों। अगर जर्नल एंट्री करने में दिक्कत आ रही है तो जर्नल एंट्री से रिलेटेड मैंने बहुत सारे लेक्चर कराए हैं, वो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ उस सारे वीडियो का, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और जर्नल एंट्री पहले अच्छे से सीख के आइए, अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये अगला है अप्रैल 20, तो 20 अप्रैल को क्या हो रहा है,
रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल, गोपाल से कैश रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट। सर गोपाल से कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट। टू 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 गोपाला, टू गोपाल, टू गोपाल। कितना रिसीव हुआ है? 3950, 3950 रुपए रिसीव हुआ है। और लिखा है डिस्काउंट अलाउड। एक बात बताइए, अगर मुझे कहीं से पैसा रिसीव होगा तो रिसीव होगा तो मेरे पास कैश आ रहा है, आप बताइए इसमें डिस्काउंट अलाउड है तो डिस्काउंट हमने दिया या सामने वाले ने दिया है? तो डिस्काउंट हमने दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा सामने वाले से क्यों रिसीव हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको बेचा होगा ना। ऊपर ही लिखा है कि देखिए मैंने गोपाल को बेचा था, तो गोपाल को 4000 का सामान बेचा था तो गोपाल को मैं ही डिस्काउंट दे सकता हूँ ना, वो मुझे थोड़ी देगा, तो इसका मतलब मैं दूंगा तो नुकसान मेरा है ना। हाँ सर, तो एक कैश डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं ना सर, लॉस है हमारे लिए, तो उस लॉस को हम डेबिट करेंगे किस नाम से? डिस्काउंट अलाउड के नाम से। तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ डेबिट हो जाएगा। कितना रुपए सर? 50 रुपए। ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका पेड वेजेस। वेजेस पे क्यों एक्सपेंस है? अप्रैल 25, तो यहाँ पे अप्रैल 25 पेड वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट। टू टू आपके जेब से क्या जा रहा है? कैश अकाउंट, टू कैश। कितने रुपए है जी? 700 रुपया, 700 रुपया। नेक्स्ट है आपका पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट है 27 को, तो अप्रैल 27 में पेड टू राम किसको पे किया दोस्तों? राम को। टू कैश अकाउंट। कितना रुपए पेमेंट किया कैश में? 7700 रुपये। कितना? 7700। अब बताइए, राम से हमने यहाँ खरीदा था गुड्स, क्या खरीदा था? 8000 का, और हमने 7700 रुपये दिया फुल सेटलमेंट, मतलब हिसाब बराबर, मतलब रजामंदी से। तो जब रजामंदी से 8000 के बदले में 7700 रुपये दे के हिसाब बराबर हो गया तो फायदा हो गया ना। हाँ सर, मतलब डिस्काउंट रिसीव हो गया यहाँ पे। क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव। कैसे पता चला? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन में कि हमने राम को, राम से 8000 का सामान खरीदा, 7000 कितने का खरीदा था? 8000 रुपये का, 7700 रुपये दिया, हिसाब बराबर कर दिया, तो इसका मतलब 300 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो गया, मतलब फायदा हो गया। अगला है पेड रेंट, ये भी एक्सपेंस है, तो ये अप्रैल 30 का एंट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेड रेंट है, तो रेंट अकाउंट डेबिट। टू टू कैश अकाउंट। कितने रुपए है? ये है आपका 1500 रुपये। तो देखिए, जर्नल एंट्री तो हमने कर लिया फटाफट, अब हमको इसकी पोस्टिंग करनी है लेजर में, और जब लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी उसके बाद ही हम क्या करेंगे, हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैश अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो कैश का है। देख लेते हैं कि कौन कितने अकाउंट बनाएंगे। इसमें जितने याद रखिएगा, जितने अलग अलग नाम है ना, उतने अलग अलग अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहला तो कैश है, दूसरा कैपिटल अकाउंट बनेगा, तीसरा परचेज अकाउंट बनेगा, कैश तो दोबारा आ गया ना, चौथा ये गोपाल, पांचवा सेल्स अकाउंट, छठा राम अकाउंट बनेगा, सातवा ट्रेड एक्सपेंस बनेगा, आठवा डिस्काउंट अलाउड बनेगा, और नौवा वेजेस बनेगा, और दसवा डिस्काउंट राम ऑलरेडी हो चुका है, और ये डिस्काउंट रिसीव बनेगा दसवा, और ग्यारहवा जो है वो रेंट अकाउंट बनेगा। मतलब हमको 11 अकाउंट बनाना है। मैंने तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 10 का ही बनाना है, एक और बनाना पड़ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं कैश अकाउंट की। तो सिंपल सा है, क्या करना क्या है आपको, कैश डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। मैंने अकाउंट का डेफिनेशन जब बताया था, क्या बताया था? अकाउंट, कि अकाउंट क्या होता है, तो अकाउंट का मतलब यहीं पे मैंने बताया था कि लेजर जब कराऊंगा तो वहां डिटेल से अच्छे से समझ में आएगा। तो अकाउंट मैंने बताया था किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड उसका ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन एक जगह लिखना, जिसका फॉर्मेट होता है दो पार्ट में बांटा जाता है, लेफ्ट वाले साइड को डेबिट, दूसरे वाले को क्रेडिट। तो देखिए ध्यान से, ये वही है, ये कैश जो है, अब यहाँ पे पूरे जर्नल एंट्री में जो मैंने लिखा है इसमें एक ट्रांजेक्शन, एक की बात कर रहा हूँ कैश,
तो कैश से रिलेटेड सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक जगह लिखना ही अकाउंट है। मैंने एक पर्टिकुलर चीज बोला, तो यहाँ पे पर्टिकुलर चीज का नाम मैंने क्या बोला, कैश। तो इसका मतलब कैश से रिलेटेड जो कुछ भी मैं यहां लिखता हूं तो वो जिस अकाउंट में, मतलब जहां लिख रहा हूं वो अकाउंट कहलाता है। किस अकाउंट में पर्टिकुलर चीज क्या, कैश, तो कैश अकाउंट। अब दो साइड है, लेफ्ट वाले को डेबिट बोलते हैं, राइट वाले को क्रेडिट बोलते हैं। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा ना, कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, एक्चुअल में इसको बोलते हैं कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, यानी कैश अकाउंट को डेबिट किया जाना है, डेबिट करना है। ओहो, तो इसका मतलब 2022 मैंने लिखा है ना यहाँ पे, हाँ सर 2022, तो 2022 में शुरुआत कब से हो रहा है, अप्रैल से हो रहा है। तो अप्रैल फर्स्ट कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, तो कैश के कॉलम में, कैश अकाउंट में डेबिट साइड में 1,00,000 रुपए लिख दिया। अब बताओ यहाँ कुछ ना कुछ तो लिखना बनता है ना, क्या खाली छोड़ दोगे? यहाँ पे हमने बोल दिया कि कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, यानी कैश अकाउंट में डेबिट किया जाना है, यानी डेबिट साइड लिखना है, तो मैंने डेबिट साइड 1,00,000 रुपए लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखोगे, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ लिखेंगे उसके अपोजिट का नाम, यानी जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके अपोजिट का नाम। तो अगर ये डेबिट हो रहा है तो नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का नाम, और क्रेडिट में क्या नाम है, कैपिटल है, तो लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। कमाल है सर, एक तो हो गया। ओके, अगला बात करते हैं कैपिटल अकाउंट का, किसकी बात कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट देखिए, चलिए पहले कैश को ढूंढ लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा कैश हो गया। दूसरा देखिए, कैश अकाउंट अप्रैल 3 को कैश इज टू बी क्रेडिटेड, कैश को क्रेडिट किया जा रहा है, तो क्रेडिट साइड लिख दूंगा। और क्रेडिट साइड में देखो तो यहाँ पे बाई लगा के लिखेंगे, क्या करेंगे, बाई। तो बाई कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दूंगा कितना रुपये, 5,000 रुपया। और नाम उसके अपोजिट का नाम, तो अपोजिट का नाम क्या है, परचेजेस अकाउंट है। और डेट क्या है, अप्रैल 3। याद रखना, डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम। अब समझना ये है कि किसके बिहाफ पे, तो कैश, तो यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा ना, तो क्रेडिट वाले में डेबिट, तो डेबिट का नाम क्या है, परचेज, तो मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड में डेबिट। अब देखिए यहाँ पे कोई कैश नहीं है इस ट्रांजेक्शन में, तो कैश में नहीं आएगा, यहाँ भी कैश का नहीं है, यहाँ है, तो यानी यहाँ है, तो यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा ना यहाँ भी, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, डेट है अप्रैल 15, क्या है, अप्रैल 15 है, तो 15 में क्या लिख देंगे, बाय ट्रेड एक्सपेंस, क्या लिख देंगे, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, कितना रुपया, 2,000 रुपया। कमाल है। अगला देखो, कैश अप्रैल 20 को डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, तो अब डेबिट हो रहा है सर, डेबिट साइड लिखेंगे अप्रैल 20 को। तो अब डेबिट वाले में हमने सीखा कि अपोजिट का नाम लिखते हैं, तो डेबिट कैश हो रहा है, तो अपोजिट का मतलब है, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट है, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट है। तो कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट वाले में क्रेडिट, क्रेडिट में क्या नाम है, टू गोपाल, क्या है, गोपाल। और गोपाल के सामने कितना लिखना है यहाँ पे, 4,000 यहाँ है, बट अमाउंट यहाँ कितना लिखे, सर कैश का अकाउंट बना रहे ना, तो कैश का कितना है, 3,950 रुपये, या ऐसा कह लीजिए विचेबर इज लेस, विचेबर इज लेस। दिमाग में बस इतना फिट कर लीजिए, जिसका अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं ना, तो उसके सामने जो अमाउंट है वही आएगा। और कई बार भूल जाओ कि कौन सा है ना, तो जो दो का कंपेरिजन करें उन दोनों में छोटा होगा। कमाल है सर, ये हो गया। अगला है वेजेस टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिख लेंगे बाई, क्या लिख लेंगे, बाई क्या है, वेजेस, क्या लिखेंगे, वेजेस, क्योंकि कैश वाले का अपोजिट में वेजेस लिखा हुआ है, 700 रुपये। ये डेट है अप्रैल 25, तो अप्रैल 25 का भी ये कैश हो गया। अप्रैल 27 में भी कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अब देखो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट के अपोजिट क्या है, डेबिट, तो डेबिट में राम है, तो राम लिखेंगे। सर मन में ख्याल है, अगर सर अपोजिट का नाम लिखते हैं, ये डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव तो क्रेडिट में ही हो रहा है ना, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में हम कैश अकाउंट में लिखेंगे उसके अपोजिट का नाम, डेबिट, राम। और अमाउंट कितना लिखेंगे, जो कैश के सामने है, बोले तो 7,700 रुपये। ये है आपका अप्रैल, अप्रैल 27। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है
अप्रैल 30 को क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, बाई रेंट अकाउंट कितना रुपया लिखा जाएगा, रेंट अकाउंट हो जाएगा 1500 रुपये। तो दोस्तों ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है, कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट साइड का ही टोटल ज़्यादा होगा, तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा किया तो 1,03,950 रुपये। अब 1,03,950 रुपये अगर मैंने यहाँ लिख दिया, कितना लिख दिया, 1,03,000। तो अब करना है हमको डेबिट साइड में से ये सारा जो क्रेडिट साइड लिखा है वो घटा दो, तो घटाने के बाद अगर बचेगा तो कितना आएगा, 1,03,950 में से घटा देना है 5,000 रुपये, घटा देना है 2,000 रुपये, घटा देना है 700 रुपये, घटा देना है 7,700 रुपये, घटा देना है 1,500 रुपये, मतलब आ गया यहाँ पे आपका 87,050 रुपी। इसको बोलते हैं दोस्तों बाय बैलेंस सीडी, ये कब का होगा, अप्रैल 30, और इसको कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। कहाँ से आया ये बैलेंसिंग फिगर। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ये कैश अकाउंट कैसे बना है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया लेजर, आप आसानी से लेजर बना लेंगे और फिर ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। पर मैं फिर भी पूरा कराऊंगा एक क्वेश्चन, तो पूरा दो क्वेश्चन मैंने बोला है और वो दोनों क्वेश्चन मैं अच्छे से कराऊंगा एक बार। तो अब इसको क्लोज सर कैसे करते हैं, तो क्लोज कुछ ऐसे करते हैं, बताइए अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है, सर अप्रैल के बाद मई का मंथ आता है, तो यहाँ मई लिख देंगे फर्स्ट। टू, जो बैलेंस सीडी है उसके अपोजिट साइड जाके टू बैलेंस बीडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बैलेंस बीडी, कितना है 87,050 रुपी। अब ये हो गया है आपका क्लोज, क्या हो गया ये क्लोज। तो इस तरह से कैश अकाउंट बन गया, और मालूम है इसको ही कहते हैं डेबिट बैलेंस, यानी कि जिस साइड बैलेंस बीडी आता है ना उसका बैलेंस होता है, क्या होता है। अब ये बैलेंस सीडी का लॉजिक जरा समझ लेते हैं कि क्या है, मतलब ये कि डेबिट साइड का जो टोटल किए तो इतना आया, क्रेडिट साइड का कम, मतलब कि 87,050 जो आया है वो क्या आया है, कितना अमाउंट जो है वो डेबिट साइड में ज्यादा है, इतना अमाउंट डेबिट साइड का ज्यादा है, तभी तो इधर बैलेंसिंग फिगर आया। क्योंकि हमको अकाउंट में ना दोनों साइड बराबर करना होता है, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट बराबर होना है ना, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी अकाउंट में हमको बराबर करना है। अब जबरदस्ती करो तो हमने टोटल डेबिट का किया तो इतना पैसा आया, और ये जब बैलेंसिंग फिगर मैंने इतना लिखा तब जाके बराबर हुआ, बराबर करना है ना, तो बैलेंसिंग फिगर मुझे कितना लिखना पड़ गया ये, तो ये इतना बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या है, कितने से डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इसको कहते हैं डेबिट बैलेंस। क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस, आगे में मैं बार बार बताऊंगा नहीं। तो यहाँ पे बैलेंस बीडी मतलब डेबिट बैलेंस है, और अगर यही बैलेंस सीडी इधर आता तो हम उसको बोलते कि क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तभी तो इधर बैलेंस फिगर आया, मतलब कि क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उसका बैलेंस बोलते हैं, डेबिट साइड का ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जिस जहां पे बैलेंस बीडी आएगा वो बैलेंस है, तो बैलेंस बीडी डेबिट साइड है तो डेबिट बैलेंस। बट मैं बता दूं कि कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कैश जितना आपके पास आया है उससे ज्यादा पेमेंट कर सकते हो क्या, जितना आपके हाथ में पैसा रहेगा मैक्सिमम उतना ही पेमेंट कर सकते हो, तो कैश ज्यादा से ज्यादा दोनों साइड का बराबर हो सकता है या फिर बैलेंसिंग फिगर यहीं पे आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्रेडिट साइड का ज्यादा है डेबिट कम है, कभी नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों कैश अकाउंट तो हमारा बनके तैयार है। अगला हमने क्या सोचा है, कैपिटल अकाउंट बनाना। तो कैपिटल का एक ही एंट्री है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 2022 अप्रैल 1 को, तो बताइए क्रेडिट, कैपिटल इज टू बी क्रेडिट, क्रेडिट साइड में लिखना है कैपिटल अमाउंट 1,00,000 रुपये। अब नाम किसका लिखेंगे, अपोजिट का नाम, अपोजिट में यहाँ पे क्या नाम है सर, कैश। ओ माई गॉड, बराबर सर, और कैपिटल का तो कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं है, तो हमको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, और जिधर कम पड़ेगा उधर लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, दोनों साइड बराबर करना है ना। हाँ सर, तो आप बताइए इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस सीडी। कैसे आया ये, बैलेंसिंग फिगर, और ये हमेशा किस डेट को लिखते हैं, लास्ट डेट, मंथ के लास्ट डेट, यानी अप्रैल
30 को 2022। अब सीडी इधर आया है ना, तो इसका मतलब अप्रैल के बाद मई फर्स्ट में बाई बैलेंस बीडी क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बैलेंस बीडी क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी कितना रुपए आप बताइए, यहाँ पे कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस बीडी आपका किधर रखा आया, क्रेडिट साइड में आया ना, तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, कमाल है ना। हाँ सर, अगला हो गया परचेजेस अकाउंट, क्या बनाना है अगला, परचेजेस अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट देखिए डेबिट हो रहा ना अप्रैल 3 2022, अप्रैल 3 को क्या है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे कितना रुपए है, 5000 रुपए, कितना रुपए है, 5000 रुपए, तो यहाँ क्या लिखना है, 2 2 2 2 2 कैश अकाउंट, कमाल है। और कहीं है क्या परचेजेस, ये रहा यहाँ पे है ये परचेजेस अकाउंट, यहाँ भी परचेज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, ये डेट है अप्रैल 10 का, तो यहाँ 2 राम है सर, कमाल है, कितना रुपए है, 8000 रुपए। क्या कहीं और है परचेजेस, नहीं है, तो बस जी कंप्लीट हो गया जी, तो इसका मतलब 8 और 5 13000 हो गया। अब दोनों साइड बराबर करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड लिख दो जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो, 2022 अप्रैल 30 क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, बाई बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, 13000 रुपये, कमाल है ना। तो इसका मतलब ये कि इसका भी देखो बैलेंस सीडी इधर आया है, तो बीडी इधर आएगा ना, हाँ सर बीडी इधर आएगा, कौन से महीने का, अगले महीना मई फर्स्ट 2 क्या लिखा जाएगा, बैलेंस बीडी कितना रुपए है सर, 13000 रुपये, कमाल है ना। तो इस तरह से आप सभी का कर लेंगे, परचेजेस अकाउंट हो गया ना, परचेज का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो याद रखना जो मैंने यहाँ बीडी लिखा है ना, तो बीडी बस देखना है कि डेबिट में लिखा हूँ क्रेडिट में, अगर डेबिट में लिखा हूँ तो डेबिट कब बात करूंगा, क्रेडिट तो क्रेडिट, ध्यान रखना ये बीडी का ही पूरा खेल है। ओके सर, अगला है परचेज के बाद चौथे नंबर पे हमारा कौन सा अकाउंट था, गोपाल, गोपाला, गोपाला, तो गोपाल अकाउंट, या तो गोपाल लिखिए या गोपाल, क्योंकि इंसान है तो मैंने बता रखा हूं कि अपोस्ट्रॉफी एस लगा के लिखा जाता है। तो देखिए गोपाल डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे 2022 अप्रैल 4 क्या है, तो नाम किसका लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपया है सर, 4000 रुपया है। और कहीं गोपाल है क्या, देखो 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 यहां पर है गोपाल, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे अप्रैल 20 क्या है, अप्रैल 20, और क्रेडिट साइड में देखो गोपाल क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाले का नाम, और डेबिट में दो दो नाम है तो दोनों नाम लिखेंगे, याद रखना, तो डेबिट में दो दो है, क्या क्या है सर, कैश भी है और बाई डिस्काउंट अलाउड भी है, तो दोनों लिखेंगे। तो बताओ कैश के सामने कितना है, 3950 और डिस्काउंट के सामने 50 रुपये, दोनों साइड हो गया बराबर, ओहो वाह वाह, दोनों साइड आ गया बराबर, न डेबिट साइड ज्यादा न क्रेडिट, बराबर हो गया, कमाल है। ऐसे गोपाल था कौन, गोपाल को हमने उधार में बेचा था तो डेटर था, तो 4000 का डेटर था, अब पैसा मिल गया, कहानी खत्म, क्लोज। जिस साइड का टोटल बराबर हो जाए, दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा हो, उसका बैलेंस बीडी सीडी से कोई लेना देना नहीं, और जिसका बैलेंस सीडी से लेने देना नहीं है, उसका ट्रायल बैलेंस से भी कोई लेना देना नहीं है। ट्रायल बैलेंस में वही आएगा जिसका को बैलेंस सीडी कुछ आया हो, याद रखिएगा सीडी बीडी, जिसका सीडी बीडी का खेल नहीं, उसका लेजर में ही क्लोज, कहानी खत्म, कहां पे, लेजर पे ही। सर ये तो बन गया गोपाल, अगला है गोपाल के बाद सेल्स अकाउंट, क्या है, सेल्स अकाउंट, तो हम अगला अकाउंट बना लेते हैं सेल्स अकाउंट। यहाँ पे अगर देखने में दिक्कत हो रही हो तो जगह कम है थोड़ा सा, तो सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट में क्या है, सेल्स देखिए कहाँ पे हो रहा है, अप्रैल 4 को, तो सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो 2022 अप्रैल 4 को क्या सेल्स क्रेडिट हो रहा, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा, बाई बाई गोपाल,
बाई गोपाल, कितना रुपया? 4000 रुपया। का कहीं और सेल्स है क्या? और कहीं सेल्स नहीं है, तो देख लेते हैं एक बार और ध्यान से, कहीं सेल्स नहीं है। ओ माय गॉड, तो ये सेल्स और कहीं है ही नहीं, तो 4000 रुपये बराबर हो गया। अब 4000 रुपये दोनों साइड बराबर करना है, तो बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है आपका? अप्रैल 30 को लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, कितना रुपया? 4000 रुपये। अब सीडी इधर आया है, तो अगले महीने का पहली तारीख को क्या लिखा जाएगा? बाई बैलेंस बीडी, कितना रुपया? 4000। ये यहाँ तक के तो समझ में आ गया होगा? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। तो हमने कितना सेल्स अकाउंट तक बन गया? 5। अब अगला है परचेज अकाउंट, तो हम बना चुके हैं, परचेजेस अकाउंट हमारा बन चुका है ना? हाँ सर। अगला है 6 नंबर पे राम, तो राम का तो छोटा सा ही है, बना लेते हैं। चलिए जी, बना लेते हैं राम का, तो राम सा अकाउंट हो जाएगा। आप मुझे बताइए यहाँ पे राम कहाँ है? ये रहा, अप्रैल 10 को राम क्रेडिट हो रहा है, तो 2022 अप्रैल 10 क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? क्योंकि गोपाल राम क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड राम के अकाउंट में राम का नाम तो लिखेंगे नहीं, बाई परचेजेस अकाउंट। क्या, कितना रुपए है परचेजेस अकाउंट में? 8000 रुपये, कमाल है। अब देखिए कहीं और है क्या राम का नाम? राम का नाम राम, ये रहा राम, अप्रैल 27 डेबिट हो रहा है यहाँ पे, तो अप्रैल 27 को राम यहाँ डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में क्रेडिट वाले का नाम, और क्रेडिट में जितने नाम होंगे ना सारे लिखेंगे, तो क्रेडिट में दो नाम है तो दोनों लिखेंगे। और ध्यान से देखिए, राम का 8000 है, तो क्रेडिट में भी दोनों जितने भी नाम हो सबका टोटल करके इतना ही आना चाहिए, तो 7700 3000 3300, ये सम करके 8000 ही आ रहा ना, तो क्या लिखेंगे? 2222 कैश अकाउंट और 2 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, 2 कितना? 7700 रुपये और 300 रुपये। अब देखो जी, देखो ये बराबर हो गया है, 8000 और 8000, कमाल है ना? हाँ सर, ये तो बराबर हो गया। अब अगला अकाउंट हम किसका बनाना पड़ेगा? सर राम का बन चुका है, ट्रेड एक्सपेंस का बना लेते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट एक ही जगह है, तो ट्रेड एक्सपेंस देखिए डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, 2022 डेट लिखना जरूरी है, अप्रैल 15, और क्या लिखेंगे? टू ट्रेड एक्सपेंस में टू कैश अकाउंट, कितना रुपया? 2000 रुपये। अब दूसरा कहीं ट्रेड एक्सपेंस है ही नहीं, तो इसी का टोटल कर लेंगे, और टोटल दोनों साइड का कितना आ जाएगा? 2000। अब बताइए मुझे दोनों साइड का बराबर करना है, तो किधर आ रहा है 2000 रुपये? इधर क्रेडिट में 2000 लिखूंगा तभी तो बराबर आएगा ना। हाँ सर, तो इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस सीडी, कितना रुपया? 2022 का ये अप्रैल 30। ओ माय गॉड, बराबर हो गया ना? हाँ सर, ट्रेड एक्सपेंस भी हो गया। अगला है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बना लेते हैं। हाँ जी, तो डिस्काउंट अलाउड देखिए यहाँ पे एक ही हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा ना, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2022। अब इस तरह के एंट्री में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। तो सर इसमें क्योंकि तीन तीन है, जब दो से ज्यादा आ जाता है ना, तो ऊपर वाले में नीचे, नीचे में ऊपर कौन है, ऊपर कौन नीचे, समझ में नहीं आता। तो बस इतना याद रखिएगा कि जिसका लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं ना, उस अकाउंट को देखना है, और उस अकाउंट का अपोजिट, बोले तो अगर यहाँ डिस्काउंट अलाउड डेबिट है ना, तो डेबिट का अपोजिट क्या होता है? क्रेडिट होता है, दो ही है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट या डेबिट। तो इसका मतलब अगर डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, तो डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का नाम लिखना है। तो अब क्रेडिट में देखो गोपाल एक ही है ना। हाँ सर, कमाल है सर। तो कैश, अब कैश का हमने किया था, तो कैश डेबिट हो रहा था, तो डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट सर गोपाल एक ही है, तो याद रखिएगा। अब जब गोपाल का बना है, तो गोपाल क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट सर में दोनों का, डेबिट का नाम और डेबिट में दोनों है ना, तो हमने जब गोपाल का बनाया है, तो गोपाल में हमने यहाँ पे सीख लिया था
गोपाल का हमने सीख लिया ना कि देखो ये इस तरह से, तो वैसे ही इसमें कभी कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो डिस्काउंट अलाउड देखो डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे अप्रैल 20। क्या लिखा जाएगा डेबिट साइड में? डेबिट साइड में क्रेडिट वाले का नाम टू गोपाल, कितना रुपए है टू गोपाल, अमाउंट सर अमाउंट विच एवर इज लेस, या फिर जिसका अकाउंट बना रहे उसके सामने जो अमाउंट है, मतलब 50 रुपए, और तो डिस्काउंट अलाउड है ही नहीं, तो दोनों साइड का टोटल 50 रुपए आ गया। अब 50 रुपए आ गया तो बताइए इधर मैं बराबर करने के लिए मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 50 रुपए, तो इसको क्या बोलेंगे बैलेंस सी डी। ये कब का आ गया? अप्रैल 30 बैलेंसिंग फिगर। अब अगला है हमारा 9 नंबर पे वेजेस अकाउंट। क्या है दोस्तों? वेजेस अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट आप बना लीजिए। तो वेजेस में देखिए डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे 2022 अप्रैल कितना है, अप्रैल 25 है, तो अप्रैल 25 में डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का नाम और क्रेडिट का नाम है कैश, तो कैश अकाउंट कितना आ जाएगा 700 रुपये। सर बात यहीं पे ख़त्म हो गया? हाँ सर बात तो यहीं ख़त्म हो गया। अच्छा इन सब का मैं इसका बैलेंस मैंने सीडी, तो यहाँ पे उसके अगले साइड क्या आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 2000 रुपये, इसका तो बराबर हो गया था। हाँ अब इसका सीडी इधर है, तो बैलेंस बीडी उसके अपोजिट साइड लिखेंगे ना। हाँ सर, तो टू बैलेंस बीडी कितना रुपए 50, कहीं इधर भी मैं बैलेंस बीडी लिखना, बैलेंस बीडी लिखा, ये तो बराबर हो गया था, ये बीडी मैंने लिखा, ये बीडी लिखा, हाँ तो बीडी लिखना जरूरी है। तो अब देखो कैश अकाउंट यहाँ पे दोनों साइड का बराबर करोगे तो बैलेंस फिगर 700, बैलेंस फिगर को क्या लिखोगे यहाँ पे बैलेंस सीडी, ये अप्रैल 30, सीडी इधर है तो बीडी किधर आएगा? सर डेबिट साइड में, कैसी बातें कर रहे हो, बैलेंस बीडी कितना रुपए 700 रुपए, ये मई 1st की, कमाल है ना। हाँ सर कमाल हो गया। अगला है 10 नंबर पे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या है दोस्तों? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव का भी अकाउंट बना लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव बताइए क्रेडिट हो रहा ना यहाँ पे? हाँ, तो बस क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड वाले में डेबिट वाले का नाम, और डेबिट में ध्यान से देखिए सिर्फ एक नाम है राम, तो राम यानी क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2022, डेट है 27 अप्रैल, क्या लिखेंगे बाई राम। कितना अमाउंट है सर? अमाउंट तो सर 300 रुपया है, तो ये 300 रुपये हमको दोनों साइड बराबर करना है ना। हाँ सर, तो इसका मतलब अप्रैल 30 को क्या लिखा जाएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी, तभी तो बराबर होगा 300 रुपये। बैलेंस भी कराया 300, अब जो सीडी है वो अगले महीने का क्या हो जाएगा बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी बोले तो ब्रॉट डाउन और सीडी बोले तो कैरी डाउन। ओके लास्ट कौन सा है सर? 11वें नंबर पे रेंट। तो रेंट अकाउंट बना लेते हैं जी। तो रेंट अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो रेंट अकाउंट में देखिए रेंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे अप्रैल कितना है 30 है, क्या लिखा जाएगा 2022 ऊपर लिख लीजिएगा टू कैश। तो टू कैश अकाउंट कितना रुपए है रेंट 1500 रुपया। अब बताइए दोनों साइड का मुझे बराबर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सर दोनों साइड का बराबर करना हो तो इधर बैलेंस फिगर 1500 रुपये आएगा, 2022 अप्रैल 30, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी, कमाल है ना। सीडी उधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा अगले महीने का टू बैलेंस बीडी, क्या बैलेंस बीडी कितना रुपए 1500 रुपये। ओ माय गॉड, ये हो गया लेजर पोस्टिंग। हमने जर्नल एंट्रीज कर लिया, उसका लेजर में कैसे पोस्टिंग की जाती है हमने पोस्टिंग कर लिया, अब हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो अब ट्रायल बैलेंस के लिए हमको ये जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है, हमको ये लेजर देखनी जरूरत है। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं इसको, और इसको रहने देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस में इससे पोस्टिंग करते हैं। इसकी जो क्लोजिंग बैलेंस है यानी जो बैलेंस बीडी है, इसकी पोस्टिंग हम कहां करना है ट्रायल बैलेंस में, आप इसको नोट कर लीजिए। ये अब हम ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों
हमने लेजर लेजर तो हमने कंप्लीट कर लिया है। लेजर में क्या फॉर्मेट में था, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो रुपीज, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो रुपीज। जैसे कि मैंने बता दिया कि टी शेप का होता है अकाउंट, तो टी शेप में जितना डेबिट में है उतना सेम टू सेम क्रेडिट में, तो डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो रुपीज वैसे सेम दोबारा। अब यहाँ जर्नल फोलियो, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसफर किससे किया, जर्नल से, तो जर्नल से लेजर फोलियो लेजर में ट्रांसफर किए हैं, तो किस पेज नंबर से आया, यहाँ पे हम पेज नंबर लिख देते हैं जर्नल का कि जर्नल। अब हम जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में भी देखो मैंने क्या लिखा, हेड्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जो जितने अकाउंट बनाए ना उन सबका हेड्स लिखना है, यानी अकाउंट का नाम, उसके बाद लेजर फोलियो यानी किस पेज नंबर से आया है। तुम आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस पेज इसको ये लाइन जो है यहाँ पे खाली छोड़ना है, बस देख के स्माइल करना है। तो यहाँ पे लेजर फोलियो लिखा हुआ, यहाँ पे जर्नल फोलियो, सभी में जो जगह खाली है वो क्या है, जर्नल फोलियो। और जब हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल में क्या लिखते हैं, लेजर फोलियो, कि जर्नल से ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे, लेजर में, तो कितने पेज नंबर में, ठीक है ना। और वही जब लेजर में आता है तो कहाँ से आया, जर्नल से। अब जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे तो कहाँ से आ रहा है सर, लेजर फोलियो से, लेजर से आ रहा है ना, हाँ सर। तो ये एक प्रकार से पेज नंबर लिखना होता है, कुछ नहीं करना है आपको, बस खाली छोड़ना है। पेज नंबर तो आप आसानी से लिखता है, मेन है कॉन्सेप्ट समझना। तो हेड्स ऑफ अकाउंट, तो हेड्स ऑफ अकाउंट जितने आप अकाउंट बनाए ना सबका नाम लिख लीजिए। तो सबसे पहला है आपका कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट है। दूसरा जल्दी से देखिए, कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट के बाद बताइए क्या है अगला सर, परचेजेस अकाउंट है। परचेजेस के बाद कौन सा अकाउंट है सर, परचेज के बाद गोपाल है, तो गोपाल्स अकाउंट। अगला गोपाल के बाद क्या था, सेल्स अकाउंट है। सेल्स के बाद सर कौन सा अकाउंट है, अगला है राम्स अकाउंट। जितने आपने अकाउंट बनाया सबका नाम लिखना पड़ेगा। ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट, क्या, ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंस के बाद क्या है आपका, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड के बाद क्या है, वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट के बाद क्या है सर, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद क्या है, लास्ट वाला जो है वो रेंट अकाउंट है, क्या है, रेंट अकाउंट है। तो अब बस लिख लो कैश अकाउंट, नाम से ही पता चल रहा है कि जितने एसेट्स और एक्सपेंस होते हैं उसके डेबिट बैलेंस होते हैं, और जितने लायबिलिटी, जितने कैपिटल या रेवेन्यू यानी इनकम, इन तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये आपको पहले बता चुका हूँ। ओके सर, और उससे भी ना समझ में आए तो यहाँ पे बस देख लो कि बैलेंस बी डी कहाँ पे आया है, मतलब जिस साइड का टोटल ज़्यादा था। ओके सर, तो बैलेंस बी डी 87,000 तो डेबिट साइड में है ना, तो डेबिट साइड में लिख दो 87,050 रुपये। कैपिटल का देख लो, कैपिटल का बैलेंस बी डी किधर है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में मैं लिख लूँगा 1,00,000 रुपये। परचेजेस का देख लो, परचेजेस का किस साइड का, डेबिट साइड का है ना, 13,000 रुपये, तो 13,000 रुपये मैंने डेबिट में लिख लिया। गोपाल, गोपाल का देखो दोनों साइड बराबर आ गया ना, ना बी डी है ना सी डी है, तो देख के स्माइल करो। सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट का यानी कि गोपाल में कुछ नहीं आएगा, गोपाल का खाली है। सेल्स का देखो, सेल्स क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा, तो देखो बी डी किधर आया, क्रेडिट साइड में आया ना 4,000 रुपये, हाँ जी, तो क्रेडिट साइड में 4,000 रुपये, ये डैश है इस तरह से। अगला है राम, राम का भी शायद बराबर हो गया था, राम से देखिए, राम का ना डेबिट में दोनों साइड बराबर हो गया ना, तो राम का भी कुछ नहीं आएगा, अगर आता तो आता, यहाँ पे कुछ नहीं आना है आपको, नाम भी लिखने की जरूरत नहीं। अगला ट्रेड एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए ना, हाँ सर, तो देखिए बैलेंस बी डी किधर है, डेबिट साइड में है ना, हाँ सर, 2,000 रुपये। ओके सर, नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस ही होता है ना, हाँ सर, एक्सपेंस लॉस, तो देखो डेबिट साइड ही है ना 50,000 रुपये, हाँ सर, तो 50,000 रुपये लिख दो। अगला क्या है, वेजेस, वेजेस भी एक्सपेंस है ना, डेबिट बैलेंस होता है ना, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है ना, रूल याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंस है ना, तो वेजेस डेबिट साइड में कितना लिखेंगे, वेजेस का सर 700 रुपये है, कितना रुपए है, 700 रुपए, आप खुद ही देख लीजिए डेबिट साइड में है 700 रुपए, कमाल है ना, हाँ सर। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट रिसीव, रिसीव इनकम है ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, तो इसका मतलब देखिए इसका बैलेंस बी डी भी क्रेडिट साइड में है ना, हाँ सर, क्रेडिट साइड में है 300 रुपया। और लास्ट में था रेंट, रेंट एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, तो 1,500 रुपये आपका ये डेबिट में 1,500 रुपये। आप देख लो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आया तो आपने गलती की है, तो देख लीजिए बराबर आएगा।
87,85, 13,000 रुपये है, 2,000 रुपये है, 50 रुपये है, 700 रुपये है और 1,500 रुपये है। 104,300 रुपये आया डेबिट साइड का, इसका मतलब क्रेडिट में भी उतना ही आना चाहिए। 100,000 रुपये, 4,000 रुपये और 300, 104,300, यही है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बराबर हो गया, यानी कि आपने जर्नल भी सही किया, लेजर भी सही पोस्टिंग करी है आपने, और लेजर से ट्रायल बैलेंस की भी पोस्टिंग आपने सही किया है। ट्रायल बैलेंस में क्या करना होता है कि जितने भी आपने लेजर अकाउंट बनाया है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसी क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पे बस लिख देना है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। मजा आ गया ना, हमने जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस कितनी आसानी से हमने सीख लिया। तो कमाल है दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे असाइनमेंट का, ठीक है ना। इस एक और लेक्चर में लेके आऊंगा जिसमें जर्नल से ट्रायल लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस, उसमें जीएसटी के भी क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो आप किसी भी तरह का, अगर आपको जर्नल आता है, जर्नल एंट्री आता है और आज का ये लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया, तो किसी भी जर्नल एंट्री का आप लेजर और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस आप आसानी से बना सकते हैं। तो यही है सबसे बड़ा खेल। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर डाउट है तो वो भी कमेंट करके बताइए और दोस्तों को जरूर शेयर करिए अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से इसका पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।